और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जानकारी मिल रही है, जहां 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, 3 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जशपुर कलेक्टर रवि मित्तल आयुक्त बने जनसंपर्क के, और रोहित व्यास जशपुर कलेक्टर बनाए गए हैं। तो वहीं एस जयवर्धन सूरजपुर कलेक्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले की जानकारी मिल रही है, जहां अब ये प्रभावी होगा और इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एस जयवर्धन सूरजपुर के कलेक्टर बनाए गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में हुई इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में रोहित व्यास को जशपुर का कलेक्टर बनाया गया, एस जयवर्धन को सूरजपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है और 3 जिलों के कलेक्टर बदले गए और 11 तबादले यहां पर किए गए हैं। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट सेंट्रल जेल बिलासपुर में चल रही अवैध गतिविधियों पर सख्त दिखाई दिया। कैदियों के परिजनों की शिकायती पत्र को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। डिवीजन बेंच ने मामले में जेल डीजी को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। आपको बता दें कि सेंट्रल जेल में दशहरे के दिन गैंगवार हुआ था और इस दौरान एक कैदी ने विचाराधीन बंदी पर हथियार से हमला किया था। जेल प्रबंधन ने इस मामले को दबा दिया। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद अधीक्षक ने सख्ती से कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पिटाई से घायल युवक को सेल में डाल दिया, फिर उसका जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। और छत्तीसगढ़ घोटाला मामले में आरोपियों को अलग अलग जेल में बंद करने के आदेश दिए गए। आबकारी कोयला कस्टम मिलिंग के आरोपी जेल में बंद अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल में रखने के आदेश दिए गए। अनिल टुटेजा को कांकेर जेल में रखने का आदेश है, जबकि एपी त्रिपाठी को जगदलपुर जेल में रखने के आदेश दिए गए। मकफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को दंतेवाड़ा जेल में रखने का आदेश है, जबकि सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल ट्रांसफर आदेश दिया गया है। ईडी की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रायपुर जेल में एक साथ रहने पर सिंडिकेट चलाने पर यह फैसला सुनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, और कांकेर में मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों पर 38 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें 2 पुरुष 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर हुई मुठभेड़, जहां जया उर्फ भूरी पददा पर 16 लाख रुपए का इनाम था, सावाजी उर्फ अंकलू पर 16 लाख रुपए का इनाम था, देवे उर्फ रीता पर 2 लाख रुपए का इनाम था। और बिलासपुर में 15 ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल चक्रवाती तूफान डाना की वजह से इन ट्रेन्स को कैंसिल किया गया। 23 से 29 अक्टूबर तक ये चलने वाली जो ट्रेन थी, अब कैंसिल कर दी गई है। आपको बता दें कि ये चक्रवाती तूफान डाना के चलते फैसला लिया गया है। बिलासपुर से बड़ी खबर, आपको बता दें चक्रवाती तूफान डाना की वजह से ये निर्णय भारतीय रेल ने लिया। और मुरैना में मोबाइल विवाद मामले में फायरिंग और पथराव तक हो गया। दरअसल मोबाइल नहीं लौटाने पर यह विवाद हुआ। पथराव में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि फायरिंग और पथराव का वीडियो सामने आया था और 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये विवाद कहां से शुरू हुआ और अभी फिलहाल क्या स्थिति है इस मामले की?
अब बिल्कुल देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा स्थित कब्रिस्तान रोड का है, जहां पर एक ही परिवार में यानी एक ही मोहल्ले में रहने वाले सिकंदर खान और करुआ में इस विवाद की शुरुआत हुई थी। और सिकंदर खान ने करुआ से मोबाइल मांगा था बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद बात करने के लिए मोबाइल तो दे दिया, लेकिन करुआ ने जब मोबाइल नहीं लौटाया तो सिकंदर ने मोबाइल मांगा लेकिन फिर भी नहीं लौटाया। इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंगलवार को दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए। उसके बाद करुआ अपने 3 से 4 साथियों के साथ आता है और सुबह 10 बजे फायरिंग शुरू कर देता है। 2 से 3 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद घटना की जैसे ही खबर पुलिस को लगती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो उसके बाद फिर से करुआ बौखला जाता है और फिर शाम को 3 बजे आता है, 8 से 10 राउंड फायर करके चला जाता है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इससे भी करुआ नाराज हो गया था। फिर रात को 9 बजे आता है और 1 दर्जन से अधिक राउंड फायर करता है, बाद फरार हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में फायरिंग ही नहीं बल्कि फिर पथराव भी किया जाता है। इस पथराव में जो शाहरुख खान नाम का व्यक्ति होता है वो घायल हो जाता है, उसके हाथ में चोट आती है तो उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक करके 3 बार लगातार फायरिंग की जाती है, उसके बाद पुलिस अभी तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। खास बात तो ये है कि जो घटनाक्रम है वो महज चाहे कोतवाली थाना क्षेत्र का भले ही हो, लेकिन इस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर महिला थाना है और जो स्टेशन रोड थाना है उसकी भी 1 किलोमीटर की दूरी है और कोतवाली थाने की भी 1 किलोमीटर की ही दूरी है। तो यानी कि कुल मिलाकर के 3 थानों के बीच का ये घटनाक्रम है और यहाँ से नगर पुलिस अधीक्षक की कार्यालय भी महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, उसके बाद भी इस तरीके की फायरिंग होती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।